तो फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग आज जाएंगे नत्था टॉप, पटनी टॉप। और पवन जी का लुक जरा बताइए, खड़े हो ना पवन जी यहाँ पे आके। पवन जी सेम यहाँ के कश्मीरी बन गए हैं। और मेरा भी बताना, मैं तो खैर जैसी थी वैसी इन्होंने चेंज कर लिया, बिल्कुल कश्मीरी लग रहे हो। सो गाइज मिलते हैं आज की ट्रिप पे आपको। होटल है ये, पवन जी है ये, देखिए हमारा होटल है। अब हम जा रहे हैं घूमने। ये प्ले स्कूल भी है पास में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमने, देखते हैं बारिश में हम कितना घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको दिखा सकते हैं, कौन सी जगह है हम घूमने वाली। मैं आपको पूरा ब्लॉग अपना दिखाऊंगी। फ्रेंड्स हम चल दिए हैं पटनी टॉप के लिए। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हमारे होटल से। तो फ्रेंड्स कल का हम आपको बताएंगे पटनी टॉप में क्या-क्या देखने लिए है। जो करेगी वो उसको करना। हाँ मम्मा हेयर कलर कराएगी तो जो वो भी कराना है, मम्मा कुछ भी करेगी सारा उसको करना है। शनि मंदिर है, मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि लेडीज नहीं जाती है शनि देवता के पास। ये पवन जी जा रहे हैं दर्शन करने। शनि जय शनि बाबा की। मेरी बिटिया ठीक हो जाए तो थोड़ा टूर कर लें हम अच्छे से। गाइस ये पहला पॉइंट है जहाँ पे शनिदेव मंदिर पड़ेगा और आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। ये पवन जी पूजा कर रहे हैं। मैं आपको ढंग से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये शीशा आ रहा है बीच में। हमारा आगे का सफर स्टार्ट है। हम लोग जाएंगे पहले पटनी टॉप, फिर जाएंगे नत्था टॉप। आपको मैं पूरा रास्ता तो नहीं दिखा सकती, जितना हो सकता है उतना दिखा रही हूँ। भाई मनु की तबीयत खराब हो गई बादवा की, यही पतिदेव ने दिखाया है जितना दिखाया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. यहाँ का फेमस मंदिर है नाग मंदिर। यहाँ पे आए हैं घूमने, देखिए आपको दर्शन कराएंगे। फोन चलता है तो फ्रेंड्स यहाँ बुलबुल का बच्चा पता नहीं क्या है, ये भैया दिखाएंगे क्या है। भैया बुलबुल का बच्चा क्या चीज होती है? ये होता है कमली तो है भैया, ये लद्दाखी होता है। ओके ये नहीं बनाना इसके लिए। अच्छा ये पश्मीने नहीं भैया, अभी दर्शन करने हैं। बच्चों को दिखा दो यार, बच्चे खुश हो जाएंगे। बोलो बच्चों को दिखा सब ये ऐसे क्या बात है भैया, इधर देखना चाहिए देखा था। ये मंदिर है यहाँ का, देखना है तो सोच देगा। ये यहाँ का मंदिर है, देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ मंदिर का। हाथ धुल सुगाइज यहाँ का ये नागवटी मंदिर है जहाँ आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर है। ये यहाँ के देवता है, यहाँ लेडीजों को जाना वर्जित है। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ये है नाग मंदिर, इच्छाधारी नाग देवता का मंदिर है यहाँ का। और ये हमारा फर्स्ट स्टे है यहाँ पे ट्रैवलिंग में। ये देखिए मंदिर है, यहाँ पे अपनी जो भी इच्छा मांगते हैं वो पूरी होती है कहा जाता है। देखते हैं हमारी पूरी इच्छा होगी या नहीं,
सो गाइस अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर हम आपको दूसरी जगह भी दिखाएंगे वहाँ का क्या है। ये पवन जी अपनी मूछों को ताव देते हुए इन्होंने मूछे, आप ये बताना फ्रेंड्स पवन का लुक कैसा लग रहा है? कश्मीरी लग रहे हैं यहाँ पे आके यहीं के, और मुझे तो कोई कहेगा ये नहीं है पर तुम्हें तो कह ही देगा। ये देखो स्पेशली इन्होंने नया कुर्ता लिया था यहाँ आने के लिए। सो गाइस ये मंदिर का व्यू बहुत अच्छा है, देखिए। और यहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इच्छाधारी नाग का मंदिर है ये, यहाँ लेडीज नहीं जाती हैं, जेंट्स ही जाते हैं। देखिए मैंने मंदिर के दर्शन आपको करा दिए हैं। सो गाइस चलते हैं हम दूसरी जगह। अब हमारे यहाँ से निकलना हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे रोप वे पे जाएंगे, देखते हैं भैया कहाँ कहाँ हमको लेके जाते हैं, पूरा आपको ब्लॉग दिखाऊंगी मैं यहाँ का। दिखाएंगे बुलबुल का बचा अच्छा व्यू है यहाँ का, पटनी टॉप का ही है। अब हम लोग जा रहे हैं रोप वे के लिए। यहाँ की छोटी छोटी चीजें, कितना अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, सुबह बारिश हो रही थी, अब यहाँ बारिश भी नहीं हुई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बारिश में तो कुछ भी मजा नहीं आता ही। चुप चुप ट्रेन मनो की, मनो क्या है, चुप चुप ट्रेन में मनो बैठी है, मनो के साथ हम बड़े बड़े बूढ़े भी बैठी। देखो आतंकवादी इंसान, चुप चुप ट्रेन। ये करेगी, तुम करोगी, जाओगे जाएगी तो बताओ मनु, अकेले जाके क्या करोगी, इस पे जाओगी नहीं इस वाले पे जाओगी? मनु पूरा मुझे ये एडवेंचर नहीं करना है क्योंकि मैं वैष्णो देवी के दर्शन करके आई तो बहुत बॉडी पेन हो रहा है। ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ आप बच्चों को लेके आ सकते। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। अच्छा तो गाइस देखो ये यहाँ का पार्क है और आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी आओ तो पहले आप जितने भी पॉइंट घूमने वो घूम लो, उसके बाद वैष्णो देवी को दर्शन करना। अगर आप पहले दर्शन करोगे फिर आप पॉइंट घूमोगे तो आप नहीं कर सकते। मेरे आज बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। सो गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, पहले आप लोग पटनी टॉप नथा टॉप जो भी आपको करना है वो करिए, फिर लास्ट में आप दर्शन करके अपने घर चले जाइए रेस्ट करिए। अब हमने कल दर्शन किए और आज हम घूमने आए तो आज हमारे बहुत दिक्कत हो रही है। इवन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आके हॉर्स पे ही आपको बैठना है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं हॉर्स पे जाके राइड, अगर आप हॉर्स नहीं लेंगे यहाँ पे तो यहाँ आपको कुछ भी राइड करने को, कुछ भी अच्छा करने को नहीं मिलेगा। सो गाइज अगर आप यहाँ का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप दर्शन से पहले यहाँ करिए एंजॉय, दर्शन लास्ट में करिए, सबसे लास्ट में दर्शन। ये आ गए पवन जी। मनु कैसा है? अच्छा हमारा यहाँ का तो खत्म हो गया। ये पवन जी कश्मीर से आए हैं यहाँ घूमने, दुनिया कश्मीर घूमने जाती है, देखिए कश्मीरी बंदा यहाँ घूमने आया है। हमारे ड्राइवर साहब भी कह रहे थे कि भाई मुझे लग रहा है यहाँ लोकल का बंदा, यहाँ लोकल का बंदा हमें क्यों कर रहा है, बाद में पता चला ये बंदा लोकल का नहीं है। पे जा नहीं सकते, मन्नू रो रही है। अब हम जाएंगे रोप वे पे, रोप वे के बाद फिर हम जाएंगे नथा टॉप, बस इतना ही ब्लॉग आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा है, हम ही जा रहे हैं। पवन जी को बड़ा चढ़ाता जा रहा है।
उधर देखो देखो क्या खाना है इसको, हॉर्स को खाने दे। जी हम लोग घूम के आ गए हैं, अब पवन जी चाय और पकोड़े खाएंगे। और मन्नु क्या खाएगी? खाएगी मन्नु पकोड़े। सो यहाँ ठंडा मौसम हो गया है ना, मौसम तो ठंडा हो गया है ना। फ्रेंड्स हम पटनी टॉप से निकल के नत्था टॉप के लिए जा रहे हैं। यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा हो गया है। मन्नू कह रही है मुझे ठंड लग रही है, मेरे को भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। जैसे ये मौसम है वैसे ही। नहीं तो पॉइंट्स भी होते हैं ना कुछ घूमने के। गाइस ये नत्था टॉप का है, यहाँ बहुत मौसम अच्छा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। गाइस हम थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे, यहाँ का वेदर देखिए कितना अच्छा है। ये देखो वेदर बहुत अच्छा है, मुझे कपड़े चेंज करने थे, कपड़े भी चेंज नहीं हुए मेरे यहाँ पे, तो इसी ड्रेस में जाना है सब जगह हमको। यहाँ का वेदर देखिए कितना अच्छा है, व्यू भी आप लोग देख सकते हैं, नत्था टॉप का व्यू है। तो ये यहाँ का वेदर है, देखो कितना अच्छा वेदर है। फ्रेंड्स हमारी वापसी हो गई है, बीच में मेरा फोन हो गया था डिस्चार्ज। अब हम अपने जा रहे हैं घर, वेदर बहुत अच्छा हो गया है ना, सारा फॉग ही फॉग है, कुछ आपको दिख भी नहीं रहा होगा। हे गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, हमारा पटनी टॉप का और नाथा टॉप का ट्रिप हमारा पूरा हो चुका है, हम लोग वापस आ चुके हैं। लेकिन गाइस वहां जाने के टाइम पे जब हम वापस आ रहे थे तो वहां एक फैमिली की गाड़ी ना गड्ढे में मतलब खाई में चली गई। सो गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको ड्राइव नहीं आता है तो प्लीज हील्स पे ड्राइव मत करिए। उसमें हस्बैंड वाइफ थे, दो बच्चे थे, और मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी गाड़ी पीछे थी और उनकी गाड़ी हमसे आगे थी, बहुत स्पीड में गाड़ी थी और उनकी गाड़ी एकदम बहुत खाई में गई है, जो कि गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि वो गाड़ी तो बहुत दूर, उसमें से किसी की जान भी नहीं बचेगी। सो गाइस प्लीज आप लोग कभी भी हिल्स पे आते हो तो होटल में अपनी गाड़ी रखो, और यहाँ से आप बोलिए उनसे, वो आपको अच्छा सा ड्राइवर और गाड़ी करके देंगे। ज्यादा से ज्यादा 1,500-2,000 का खर्चा आता है, और आपको वो अच्छे से घुमाते भी हैं, सारे पॉइंट्स पे रोकते हैं, आपको हर चीज बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सो गाइज मैं आप लोगों से प्लीज प्लीज बोलती हूँ कि अगर हिल्स पे गाड़ी चलाना नहीं आता तो प्लीज आप लोग गाड़ी मत चलाइए। यहाँ के लोग अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, उनको सारे रास्ते का पता होता है। सो गाइज अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करिए।